पानी में आ गया है बॉयल अच्छे से। अब इसमें मैक्रोनी डालो बेटा। बेटा बड़ा आदर का अपनी पसंद की चीज बन रही है भाई। अब इसको डालने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सा चला लीजिए। ये थोड़ा सा चला लिया इसको ऐसे ताकि ये अलग अलग हो जाए, नहीं तो ये चिपक जाएंगे उबलते हुए भी। ये अब इसको हमने ऐसे कर दिया, चला लिया और इसको ढक देंगे। ढकने के लिए प्लेट इस बड़ी कढ़ाई पे बड़ी प्लेट ये ढक दिया। इतने में टमाटर कट कर रही हूँ, देखो इसमें प्यूरी नहीं डालनी होती, प्यूरी नहीं डालनी होती क्योंकि प्यूरी इसमें ना अच्छी नहीं लगती है। इसमें कट किए हुए टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो बीच बीच में आते हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप डालना चाहें तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। अब जैसे मैं आज प्याज डाल रही हूँ तो मैं अदरक लहसुन भी ज़रूर डालूंगी। अगर प्याज कैंसिल थी तो वो दो भी बेचारे कैंसिल थे साथ में ही, चलो। पर आज मैं सोच रही हूँ इसको डाल देती हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ पेस्ट, ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा, आज मैं इसको डाल रही हूँ ताकि ये फिनिश हो जाए, खुला हुआ है इसीलिए। आज ये हमारा लंच तैयार हो रहा है। लंच में बच्चों की डिमांड है मैक्रोनी खाने की, क्योंकि ओनली हम तीन जने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तीन जने, तीनों को शौक है खाने का, पास्ता मैक्रोनी जवे चाउमीन सब चीज़ें हम घर में बनाते हैं और घर में का ही बना खाते हैं। बाजार का ना खास नहीं लगता है जब घर में बना ले जाओ तो। जब नहीं आता तो मजबूरी होती है, जब आता है तो कोई मजबूरी नहीं, तब तो घर में बनाइए और खाइए फटाफट। जब आपका दिल करे जब ही बनाइए और जब जब आपका दिल करे जब ही खाइए। सामान मैं हमेशा पहले ही ला के रख देती हूँ। ये तीन पैकेट आए थे जिसमें कि एक पैकेट मैंने पहले बना दिया है लड़की के बर्थडे पे, दूसरा ये बन रहा है आज, और तीसरा देखिए कबर्ड में ये रखा हुआ है तीसरा, अभी ये भी है। ये देखिए एक ये रखा हुआ पैकेट और बस अब ये किसी दिन बनेगा, जिस दिन बड़ी बेटी होगी घर में उसकी डिमांड होएगी तो बनेगा। ये बच्चों के डिमांड पे मैं बना देती हूँ, ये तो बाजार से तो ठीक नहीं है खाना। चलो अभी कट हो गया है प्याज और टमाटर, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चलो जी चलो जी, ये देखो नीचे बैठने लग गया था थोड़ा थोड़ा, अब इसको मैंने चला दिया। ये देखो चिपक रहा था ना थोड़ा थोड़ा, इतना ऑयल डालने के बाद भी नीचे बैठ जाता है ये चीज़, तो इसको बीच बीच में चेक करना चाहिए। अब मैं चेक करती हूँ कितना पकाया है, कितना हमें चाहिए। सबका अपना अपना होता है, कोई ज़्यादा पका हुआ खाता है, कुछ कम पके हुए खाते हैं। ज़्यादा पका हुआ तो जल्दी टूट जाता है बनाते समय, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पकाती इसको, थोड़ा सा पकाऊंगी। जैसे अब इतना है इसको चेक कर लेती हूँ। वन पीस आ जाओ हाथ में जरा, वन पीस चम्मच से ही आएगा ये तो, आ जाओ जी हाथ में चेक कर लेती हूँ ऐसे। हाँ ये पक चुका है, अब ये पक चुका है जितना हमें खाना होता है उस हिसाब से पक चुका है। फ्लेम कर दिया बंद, अब इसको मैं जा रही हूँ वॉश करने के लिए। पहले इसमें ठंडा पानी मिलाऊंगी क्योंकि ये बहुत गर्म है, क्योंकि मेरी जो जाली है वो प्लास्टिक की है, छन्नी जो है जिसे कहते हैं बड़ी वाली छन्नी प्लास्टिक की है, स्टील की होती तो कोई बात नहीं थी। अभी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, अलग अलग हो गया, देखिए ये देखिए इसके जितने भी चिकनाई थी सब हट गई है, जो भी चिपचिपा था वो हट गया है। और ये मैदे का नहीं होता है तो खाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं है इसमें कि कोई दिक्कत है भाई
ये नुकसान देगा, ये नुकसान नहीं देगा। एक तो घर का बना हुआ, ऊपर से ये चीज़ भी मैदे की नहीं है, इसीलिए इसको खा सकते हो अच्छे से। ये देखिए कितना थोड़ा था और कितना ज़्यादा हो गया, ये तीन जनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अभी इसमें मैं थोड़ी सी मटर भी डालना सोच रही हूँ, मैं इसमें मटर डालूँगी। देखिए कैसे डालूँगी मैं मटर, इसको इधर रख देती हूँ, इसी के अंदर इसमें डालूँगी रिफाइंड ऑयल। ये देखिए अंदाजे से ही डालूँगी। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम कम कर दिया है। कोई भी अगर छोक की चीज़ डाली होती है तो पहले फ्लेम कम कीजिए, नहीं तो वो कई बार आग पकड़ लेता है, इसलिए मैंने फ्लेम कम किया है। प्याज डाल दिए मैंने, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही बस सॉफ्ट होत करना है इसको, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होते ही फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। देखो थोड़ा थोड़ा रेड होने लगा, हल्का हल्का पिंकिश, हल्का हल्का पिंकिश हो रहा है, ये हल्का हल्का हो गया। अब इसमें डालती हूँ मैं टमाटर, अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक, नमक इच्छा अनुसार नमक डाल दिया है, ये नमक डाल चुकी हूँ। इसको ढक देती हूँ थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ देखो मटर, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैंने इसमें डाल दिए मटर। मटर ऑप्शनल है, इच्छा हो तो डालो, कुछ भी डाल दो, मटर डाल दो, कुछ भी डाल दो, गाजर डाल दो, जो आपकी इच्छा है, जो आपको खाना है गोभी डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो आपको अच्छा लगता है, आपके बच्चों को अच्छा लगे, इसमें कुछ मिक्स कर दो। आज मटर थी छिली हुई थी मौके पे, मैंने कहा चलो आज इसका भी स्वागत इसमें किया जाए, तो मैंने इसको डाल दिया। अब इसमें डाल दूँगी मैं तेज, नहीं मिल रहा रहने, मैं ही देख लूँगी फिर बाद में देख लूँगी तसल्ली से। अब इसमें डाल दूँ मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल देती हूँ मैं भूल लेती हिला लेती बस आधा ढक्कन सोया सॉस और अंदाजे से आधे से भी कम चिली सॉस। हाँ आधा चम्मच विनीगर भी अपनी इच्छा अनुसार, जिसको ज़्यादा खट्टा पसंद है वो आधा ढक्कन डाल दें, जिसको कम खट्टा पसंद है वो थोड़ा सा डाल दें ताकि खुशबू आए बस, कि हाँ विनीगर डला हुआ है इसके अंदर। और ये एक ढक्कन टमाटो सॉस डाला है मैंने, मैं ढक्कन से नहीं नाप रही क्योंकि ढक्कन पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं ढक्कन से नहीं नापती, मैं वो अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत गंदा फीलिंग आती है। अब इसको ढक देती हूँ, बस हो गया, इसको ढक देती हूँ। इसमें दो मिर्ची डाल रही हूँ मैं, देखो पहले टोक दिया लिट्टी में दो, इसलिए मोटी मोटी भी काट रही हूँ, जिसको नहीं खाना वो निकाल भी सकता है, ज़्यादा बारीक नहीं काट रही मैं। अब इसमें मटर भी पक चुकी है, ये दिखने में लग रहा है कि पकी नहीं है पर ये इसका कलर बदल चुका है मटरों का, पहले ग्रीन थी अब ये थोड़ी थोड़ी येलो येलो दिख रही है। गर्म है, पक चुका है ये, गर्म की वजह से नहीं फोड़ पा रही मैं इसको, पक चुका है ये वैसे, और अभी थोड़ी देर और ढकेंगे इसको, फिर जो थोड़ा बहुत रह भी गई होगी तो वो पक जाएगी, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, मटर का इतना वो नहीं है।
कि नहीं पकी होगी, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसका। अब इसको मैं डाल देती हूँ, ऐसे थोड़ा हिला हिला के डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए। इसको चला लीजिए। तो कोई हम चारों बड़े खुशी से खाते हैं ऐसी चीज़ें बना बना के घर में, छुट्टी वाले दिन, त्यौहार वाले दिन, कभी हॉलीडे होता है, कभी वैसे कोई त्यौहार आ जाता है, कोई छुट्टी पड़ जाती है, या किस जैसे आज का था छुट्टी भी है और दूसरा सुबह सब्जी बड़ी फटाफट थोड़ी सी बनाई थी जो नाश्ते में ही ख़त्म हो गई है और आटा भी नाश्ते में ही ख़त्म हो चुका है आज, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसे हम तीनों एक साथ खा लें। तो हमने इसीलिए डिसाइड किया कि आज चिल्ड्रन डे है। ओहो, ये तो भाई मुझे पता नहीं था, बच्चों ने बताया है। ओहो चलो, तो तुम्हारी खुशी के लिए बनाए इसीलिए। अच्छा, ओहो बच्चों का भी बर्थडे मनने लग गया भाई। चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रन ना चिल्ड्रन की डे, तो आज तो बच्चों को बना के देना चाहिए था मम्मी के, मम्मी को। मदर डे पे तो अलग चीज है, आज के दिन भी बच्चे बनाते हैं ताकि माँ खुश होती कि हाँ हाँ कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, खुश हो जाती मम्मी है। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं नहीं बनाती। चल थोड़ी सी हेल्प ले ली है, वो अलग बात है, अनजाने में लिए हेल्प। अब इसको मैंने ढक दिया है दो चार मिनट के लिए, इसको फ्लेम बंद कर दूंगी फिर। अब दो तीन मिनट हो चुका है, अब मैं इसको देखती हूँ इसका क्या हाल है, हाल है या बेहाल है। ओहो बहुत फर्स्ट क्लास है भाई, ना हाल है ना बेहाल है, ये तो बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये देखिए कितनी बढ़िया है, ये देखिए कितना बढ़िया कलर, वाव। ये देखिए मटर बेचारी पक पक के बेचारी का कलर ही चेंज हो गया इसका तो, मटर का तो ये तो पीली पीली सी हो गई पकने के बाद। अब इसको मैं धनिया डाल देती हूँ इसके ऊपर, कटा हुआ धनिया, ये देखो धनिया डाल दिया। ऐसे करके डालो, धनिया को एक जगह मत डालो, ऐसे करके डालो, ऐसे करके। ये देखिए धनिया को ऐसे 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 डाला। अब इसको चलाना नहीं है, इसकी शो खराब हो जाएगी बेचारे की, इतनी मेहनत करी है इसने पकने में। अब इसको मैं इसको ढक देती हूँ और फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब ये पास्ता रेडी हो चुका है, ये देखिए तीनों बाउल में डाल दिया है हमने, ये तीनों बाउल में डाल चुके हैं। ये एक मेरा है, एक मेरी बीच वाली बेटी का, एक मेरी छोटी बेटी का, और साथ में ये हमने बनाई है ब्रेड। देखिए ब्रेड बनाई है और मैं थोड़ी सी ले रही हूँ चाय, चाय जो कि मेरी अभी इधर आई नहीं है। चाय लाना बेटा, मेरी कप की चाय लाओ, और साथ में मैं लूँगी ये थोड़ी सी चाय। आप भी ऐसी मैक्रोनी बनाइए और मज़े से खाइए। ये देखिए, बाय।